अगर मैं बात करूं क्योंकि लोगों को स्टूडेंट्स को बहुत से टाइम कंफ्यूजन होता है व्हाट इज डीटीएफटी एंड डीएफटी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में ओके डिफरेंस बिटवीन दी डीटीएफटी जो भी हम पढ़ चुके हैं एंड डीएफटी जो भी हम पढ़ने वाले हैं ओके, okay. सो so, सबसे पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं डीएफटी होता क्या है उसके बाद हम थोड़ा फोकस करेंगे डिफरेंस पे। डीएफटी क्या होता है कि जब हम अपने सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं मींस मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं जब भी हमें अपना किसी भी सिग्नल को प्रोसेस कराना होता है और वो सारा सारा का सारा काम किस में होता है हमारा डिजिटल में ओके okay. सो so, अगर हमारे पास कंटिन्यूस टाइम कोई सिग्नल है तो वी यूज जिसे आप बोलते हैं सी टी एफ टी ओके लेकिन अगर हमारे पास एक्सन अवेलेबल है रादर देन फॉर द होल सिग्नल हमारे पास एक सैम्पल्ड सिग्नल है ओके okay? लेट्स सी अगर मैं बात करूं आपके पास एक कोई साइन वेव है सो हैविंग दिस होल सिग्नल वी हैव वन सैंपल ओवर दर सैंपल कैसे ओके सी ये हमारे पास सैंपल ओके okay. और अगर हम सैंपल्स तो को जब हम उसका हम फोरे ट्रांसफॉर्म लेते हैं ठीक है तो क्या होता है एक्स ओमेगा में मिलता है और अगर वो एक्स ओमेगा भी हमारा क्या है डिस्क्रीट फॉर्म में सैंपल फॉर्म में है तो वी यूज दिस DFT. उसे हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ओके सो यू कैन से जनरेट हो रहा है वो भी क्या चाहिए होता है? Samples value में चाहिए होता होता है है so, में मैंने क्या लिखा था आउटपुट इज कंटिन्यूस यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा यू विल गेट दैंपल डिफरेंट डिफरेंट आपसेनरेंस बिटवीन एंड डी एफ टी सो मेन जो डिफरेंस होता है जैसा कि हम लास्ट टाइम यूज कर रहे थे एक्स एन हम यूज कर रहे थे ठीक है? ठीक है, है, और ये सीक्वेंस था, बट जो डीएफटी so यहां पे लिख सकते हैं हम डी टी एफ टी डीएफ टी दीक्वेंस दैट इज योर फाइनाइट सीक्वेंस क्योंकि मैंने बोला था जैसा मैंने बोला था एक सैंपल जो वैल्यू होती है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं ओके फाइनाइट नॉन कंटिन्यूस दैट इज योर यूस यहां पे क्या है वो नॉन कंटिन्यूस टेलिंग यू और यू कैन रेफर दी नोट्स आल्सो, ओके डीटीएफटी, इसके बाद इनफाइनाइट uh, सिमुलेशन होता था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आपने देखा होगा ठीक है कि माइनस इन्फिनिटी टू इनफिनिटी, बट जो डी एफ टी ऑब्वियसली अगर हमारे फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ये तो हमारा मेन डिफरेंस हो गया इसी डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि क्या हमारा डीएफटी है और क्या हमारा डी टी एफ टी है अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो डी एफ सी High number of frequency components. क्योंकि वहां हम ओवरऑल पूरे रेंज के लिए कर रहे हैं एक्स ओमेगा जो हमारा आता है वो बट मींस फाइनाइट वैल्यू के लिए कर रहे हैं तो जो आपको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे वो क्या Less in comparison of the DTFT मिलेंगे मिलेंगे। सो दिस इज डिफरेंस अब अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है डी एफ टी ओके सो मैथमेटिकल डेफिनेशन यहां पे क्या वहां एक्स ओमेगा यूज करते थे यहां पे क्या ओमेगा भी क्या है सैंपल वैल्यू है सो वी आर यूजिंग हियर एक्स ऑफ के ओके डी एफ टी के लिए वी आर यूजिंग एक्स ऑफ के एंड दिस एक्स ऑफ के इज कैलकुलेटेड बाई द

So this is the basic definition of the discrete Fourier transform, and equal to zero to e to the power minus j two pi k by capital N into small n. Okay. Now, if you want to calculate the IDFT, okay, that is your inverse discrete Fourier transform. That can be calculated by xn because now you have to calculate xn. So 1 by n k equal to 0 to n minus 1 x of k e to the power j 2 pi k by capital N into small n. Okay, where n equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. Okay, so the only change is here. <coughs> यहाँ पे प्लस है यहाँ पे वन बाई अपॉन एन इस फैक्टर से आप याद भी रख सकते हैं कि DFT का फॉर्मूला क्या था और IDFT का कैलकुलेट ठीक है चलिए दिस इज बेसिक डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ योर DFT एंड IDFT अब क्या करते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है ठीक है सॉरी क्वेश्चन इज गिवन फाइंड दी डी एफ टी ऑफ एक्स एंड एंड एक्स वन बाई थ्री वेन योर एन इज लाइंग टू बिटवीन टू जीरो टू टी अदरवाइज ओके ये क्वेश्चन गिवेन है आपको इसको सॉल्व करना है ओके okay? सर so यहां से आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप सी टी एफ टी देख चुके हैं मीस जब हमारा टी डोमेन में होगा एक्स टी तो हमें सी टी एफ टी अपलाई करना है एक्स एन गिवेन है तो हमें अगर सिंपल एक्शन गिवन है उसके साथ कोई नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए गिवन नहीं है तो वहां पे हमें डी टी एफ टी लगाना है एंड इफ इन क्वेश्चन मेंशन फोर पॉइंट डी एफ टी थ्री पॉइंट डी एफ टी फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट डी एफ टी एंड जो एक्शन है वो वैलिड कोई नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए पर्टिकुलरली नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए वैलिड है तो उस केस में यू हैव टू यूज दिस वैल्यू दिस DFT, ओके okay? जैसे यहां पे आपसे पूछ लिया गया फोर पॉइंट डी एफ टी पॉइंट में मतलब कैलकुलेट करनी है वहां पे, चलिए कैलकुलेशन सो जस्ट क्या करना है यू हैव टू यूज डेफिनेशन जो हमारी मेन बेसिक डेफिनेशन है के इक्वल टू यहां से देख सकते हैं एन इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एक्स एन ई टू दावर माइनस अपॉन कैपिटल एन इन टू एन ठीक है दिस इज आर बेसिक डेफिनेशन सो जस्ट पुट दैल्यू ओवर हेयर एक्स एन नाउ फ्रॉम हेयर यहां पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स कितने पूछे गए एन कैपिटल एन सो कैपिटल एन इक्वल टू फोर सो एन इक्वल टू फोर आपने देख लिया क्योंकि फोर पॉइंट्स पे आपको कैलकुलेट करना है सो कैपिटल एन की वैल्यू आपको यहां पे पता चल गई सो अगर एन इक्वल टू फोर है तो अगर मैं बोलूं कि जो आपका के है वो कहां से कहां लाइक करेगा ऑब्वियसली के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री चार पॉइंट है so, के की वैल्यू कहां से कहा लाइक एक्स एन की वैल्यू क्या है दैट इज वैलिड वन बाई थ्री वैल्यू किस पे इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू क्योंकि वन बाई थ्री किसके लिए वैलिड है वेन एन इज लाइंग बिटवीन टू जीरो टू टू जीरो so, मतलब क्या हुआ जीरो so, पे वन बाई थ्री सॉरी एन इक्वल टू वन पे वन बाई थ्री एन इक्वल टू टू पे वन बाई थ्री और एन इक्वल टू फोर पे जीरो बिकॉज अदरवाइज के लिए वैल्यू क्या है जीरो ठीक है वी आर कंसिडरिंग फोर वैल्यूज दैट वाई है एक्सएन so, यहां से हमें पता चल गया कि एक्स एन की जो वैल्यूज है वो ये चार वैल्यूज कैपिटल एन इक्वल टू फोर और जो के कहा से लाई करता है अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ओके सो यहां से के की वैल्यू आ गई एक्स एन हमने निकाल लिया नाउ जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन क्योंकि बेसिक डेफिनेशन हमारी यही है सॉरी सो एक्स की, की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स एंड एन इक्वल टू जीरो सो एन इक्वल टू जीरो फ्रॉम एन इक्वल टू जीरो माइनस वन सो फर्स्टली यू हैव टू पुट एन इक्वल टू जीरो फिर एन इक्वल टू वन फिर एन इक्वल टू टू फिर एन इक्वल टू थ्री इस तरह से पुट करनी होगी सो जस्ट पुट दी वैल्यू एन इक्वल टू जीरो

एक्स ऑफ के हमारा यहां से ये यह आ गया नाउ के कहा से कहा लाई करेगा दिविन दट के इक्वल टू जीरो सो ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट दैल्यू ऑफ के इक्वल टू जीरो टू कैलकुलेट एक्स ऑफ जीरो सो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो जस्ट फुट द के इक्वल टू जीरो over here so 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 that will be 1 now for k equal to 1 x of 1 equal to just put k equal to 1 in this in this so you will get the 1 by 3 minus j by 3 minus 1 by 3 that is minus j by 3 okay

लिखने का क्या तरीका होगा एक्स ऑफ के इक्वल टू वन कोमा माइनस जे बाई थ्री कोमा वन बाई थ्री कोमा जे बाई थ्री सो दैट विल बी योर आंसर ओके सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म